गरीब के बच्चों को शिक्षा से महरूम करने का एक नया भाजपाई षड्यंत्र उजागर हुआ है। वर्षों से, दशकों से प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम के माध्यम से कक्षा एक से कक्षा आठ तक पढ़ने वाले एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के बच्चों को हम वजीफा यानी छात्रवृत्ति देते आए हैं। मोदी सरकार ने साल 2022-23 से एक कुठाराघात करते हुए कक्षा एक से कक्षा आठ तक एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज के बच्चों की प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम खत्म कर दी है। ये गरीब के खिलाफ एक दुराग्रह है, एक घिनौना षड्यंत्र है और आठ साल से मोदी सरकार और भाजपा ये लगातार कर रहे हैं। चाहे एससी एसटी सब प्लान खत्म करने की बात हो, चाहे एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज का बजट काटने की बात हो, चाहे उन पर जघन्य अत्याचार करने की बात हो, चाहे उनकी स्कीम्स को बंद करने की बात हो, और अब कक्षा एक से कक्षा आठ तक के गरीब वंचितों शोषितों के बच्चों का प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप वजीफा खत्म करने की बात हो, हम इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। देश का गरीब इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस और देश का वंचित और शोषित एक व्यापक जन आंदोलन तैयार करेगा। अब भी चेत जाइए मोदी जी और भाजपाइयों, फौरन ये तुगलकी फरमान वापस लीजिए और गरीब के बच्चों के अधिकार को रिस्टोर करिए, नहीं तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे।